और वो इसलिए भी नहीं कि जो जर्रा बराबर किसी चीज में झूठ नहीं चाहते तो तसव्वुफ और क्या चीज है। यही तो है कि जर्रा बराबर किसी शय में झूठ ना हो। तो जाहरी बात है इमाम बुखारी ने तहजीबुल अखलाक के लिए अल अदबुल मुफरद लिखी, इस तरह किताब तारीख सगीर, तारीख औसत, तारीख कबीर लिखी, ताकि ये तीन किताबें जो हैं बाद वाली ये रावियों के हालात पर हैं, ये तीन किताबें जो हैं ये रावियों के हालात पर हैं, ताकि वो ये बता सकें कि किस रावी का हाल क्या है और किससे उन्होंने हदीस शरीफ ली और किससे नहीं ली, क्या हुआ, ये सारी कैफियत जो है, यानी किसी से अगर हदीस नहीं ली तो क्यों नहीं ली। तो जारी बात है कि इन किताबों को पढ़ने से बहुत इरफान हासिल होता है, बड़ा नूर हासिल होता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हर किताब में कहीं ना कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मौजूद है। तसव्वुफ में आम तौर पर यही कुछ होता है कि ईमान से बात शुरू होती है, उसे मजबूत करने वाली क्या क्या आशियाँ हैं इनसे बात शुरू होती है। पहले तो बात इनफरादी तौर पर होती है कि तहारत नफ्स क्या है, फिर उसके बाद इसी पर बात होती है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, आखिर को ये है क्या। शरीयत के और तसव्वुफ के इब्तदाई मनाजिल और इब्तदाई मरहले तो एक ही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है शरीयत के जो अरकान खमसा हैं वही तसव्वुफ के अरकान खमसा हैं शुरू में, और उसके बाद भी तरतीब नहीं बदलती, बात वहीं रहती है। उसके बाद तसव्वुफ में निकाह पे आ जाते हैं, शरीयत मुबारका जो है वो ज़रा आगे निकल जाती है दूसरी तरफ के वो बकिया मामलात को डील कर लेते हैं, तिजारत और तलाक वगैरह वगैरह जो भी है, विरासत, ये तसव्वुफ का मौजू नहीं है। क्योंकि सूफिया कराम अंबिया कराम के इल्मी वारिस होते हैं, इसलिए इम्कान तो यही है कि उन्होंने सिवाय इल्म के कुछ नहीं छोड़ा होगा। अब इल्म की विरासत जिसमें बट सकी उसको बट जाएगी, जिसको नहीं बटी उसकी कोई बात नहीं। और अगर अल्लाह के फजल से किसी ने छोड़ा भी है कुछ तो ठीक है, उसको तय करने वाले बहुत हैं। सूफिया कराम का गालिबन शायद मसला ये है कि उन्होंने ये बात इसलिए बयान नहीं फरमाई, इन चीज़ों पर जोर इसलिए नहीं दिया कि फिर इंसान की तरबियत नफ्स नहीं हो सके कि वो पूरी तरह इधर ही लग जाएगा। तो इसलिए शायद उन्होंने जो है इन बातों को तवज्जो नहीं फरमाई, बल्कि वो दूसरी तरफ मुड़ गए। उन्होंने तिजारत पर अगर जोर दिया तो इस तरह की कमाई किस तरह की होनी चाहिए और अच्छे ताजर की अलामत क्या होना चाहिए, ये भी ज़ाहिर हदीस मुबारका से लिया उन्होंने। अब जारी बात है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ चीज़ें तो ज़रूरी हैं इस दुनिया में, वो आम आदमी के लिए भी हैं, सूफिया के नाम के लिए भी। तो ज़ाहिर उलमा तो ये होते ही हैं, लेकिन अवाम को क्या करना चाहिए इसके लिए तरबियत निसाब दूसरा रखा, और वो ही रखा कि निकाह के बाद फिर तवक्कुल पे, सब्र पे, कनात पे, इन उन मजामीन में जो फिका के मौजू से रह गए थे, इन्होंने वो मजामीन लिए जो फिका के मौजू में शामिल नहीं हुए और उन्हें जानबूझ के शामिल नहीं किया गया। तो इस पर हमारी गुफ्तगू इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। अभी हमने किताब सही बुखारी पर से गुफ्तगू शुरू की है, और जब ये बाहमीरा समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह आखिर में बात करेंगे। وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ